السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قابل ست کریم سامعین گرامی ملک پاکستان میں آئے دن ایسے ایسے قوانین پاس کیے جا رہے ہیں جن کو دیکھ کے جن کے بارے میں اطلاع پا کے ہر محب وطن پاکستانی اور بالخصوص مذہبی طبقہ اسلام پسند لوگ انتہائی تشویش کی حالت میں ہیں اور انتہائی غمزدہ ہیں اور اس بارے میں شدید فکر مند بھی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس ڈگر پہ چل نکلا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہماری آنے والی نسلوں کی تمام قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے.
उन कवानीन में हाल में ही एक कानून मगरबी आकाओं की खुशामद के लिए पास किया गया कि जबरी तौर पे जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। इस बात से हम भी इत्तेफाक करते हैं कि जबरदस्ती किसी को इस्लाम में घसीट के नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसका टाइटल और उनवान तो यही दिया गया है, लेकिन पसे पर्दा जो हकायक हैं वो इंतहाई परेशान कुन है कि 18 साल से कबल कोई भी शख्स 18 साल की उम्र का जब हो जाए उससे पहले वो इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम में दाखिल होना चाहता है, कोई शख्स अगर हल्का बगोशे इस्लाम होना चाहता है, तो उसको पहले तो जज से अदालत में राबता करना पड़ेगा। उसके बाद उस आदमी को 90 दिन तक हकूमती तहवील में रखा जाएगा और मुख्तलिफ किस्म के मजाहब अल अदियान उनका मुताला करने के लिए लिटरेचर और कुतुब फराहम की जाएंगी। यहूदियत की किताबें पेश की जाएंगी, नसरानियत की किताबें पेश की जाएंगी, ईसाइयत, बुद्ध मत, जैन मत और दीगर जितने भी गुमराह कुन फिरके और अकायद पाए जाते हैं उन तमाम का लिटरेचर और किताबें उस शख्स को फराहम की जाएंगी कि वो उनका मुताला करे। 90 दिन के बाद उससे पूछा जाएगा कि अब आपका माइंड क्या है, फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा। तो आज हमने इसी बिल को ही मद्देनजर रखते हुए कुरान और सुन्नत से ये जानने की कोशिश करनी है कि आया ये बिल कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऐन मुवाफिक है या ये बिल कुरान और सुन्नत की तालीमात के शदीद खिलाफ है। कुरान और सुन्नत की तालीमात के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान के आयन और कवानीन के भी खिलाफ है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में बयान करने की, सुनने की, सुनाने की और आगे पहुंचाने की भी तौफीक अता फरमाए। सूरा आराफ में 158 नंबर आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। प्यारे नबी, आप अल्लाह की जानिब से अपने बारे में ऐलान फरमा दें कि ऐ लोगों, मैं तमाम इंसानियत की तरफ अल्लाह का नबी और रसूल बना के भेजा गया हूं। दूसरे मुकाम पे सूरा सबा में 28 नंबर आयत है, रब ताला फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ्फतन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। प्यारे नबी, हमने आपको तमाम इंसानियत के लिए बशीर और नज़ीर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग आपके मुकाम और मर्तबे को नहीं जानते। तीसरे मुकाम पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह रूम की 30 नंबर आयत है, फअकिम वजहक लिद्दीन हनीफा, अपना चेहरा दीन हनीफ जो एक अल्लाह की दावत देता है उसकी जानिब कायम करें। फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, और ये दीन इस्लाम दीन हनीफ है जिस फितरत पर अल्लाह ने तमाम इंसानियत को पैदा किया है। ये इस्लाम उसी फितरत के दावत देता है और फरमाया कि ला तब्दील अली खल्क इल्ला, अल्लाह की तखलीक और पैदाइश जो उसने अपनी मखलूकात की है, जो उसने एक मजहब पैदा किया है, उसमें किसी किस्म की कोई रद्दो बदल नहीं हो सकती। चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम यअज़म बिहिल्ला, कि क्या इन लोगों के अल्लाह के सिवा और भी शरीक हैं कि जिन्होंने इनके लिए शरीयत को गढ़ के पेश कर दिया है और ऐसे अहकाम मसाइल इनके सामने पेश कर दिए हैं जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। इन चार आयात को अपने जहन में रखें,
बकिया गुजारिशात हम आपके सामने पेश करते हैं और यकीनन ये आयात का मफहूम हमें आखिर तक फायदा देगा। दीन इस्लाम दावत का दीन है, ये नहीं है कि मैंने आपने मेरे आबाओ अजदाद ने आने वाले लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसको अपनी जात में छुपा के बैठ गए। नहीं, इस्लाम दावत का दीन है। जैसे आपने इस्लाम को कबूल किया है, जितनी इस्लाम का शऊर अल्लाह ताला ने आपको अता कर दिया है और जितनी फहम व फरासत से अल्लाह ताला ने आपको नवाज दिया है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, अगर एक आयत का भी पता चल गया है उसको भी आगे पहुंचाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अलमाइदा की 67 नंबर आयत में फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, प्यारे नबी जो अल्लाह की जानिब से आपकी तरफ शरीयत नाजिल की गई है उसको आगे पहुंचा दे। व इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता, अगर आपने ये काम ना किया तो गोया के आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह का पैगाम आगे पहुंचाए आपको किसी किस्म के तानो तशनी का जो निशाना बनाया जाएगा, आप पे किसी किस्म की कोई मुसीबत परेशानी आएगी, अल्लाह आपको लोगों की ईजा और तकलीफों से महफूज फरमा लेंगे। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों लाखों की तादाद में सहाबाए किराम का जो जमे गफीर था, आपने उनको मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, अला हल बल्लग, मुझे ये बताओ क्या मैंने अल्लाह का दीन तुम तक पहुंचा दिया है। सहाबाए किराम ने बयक जुबान ये ऐलान किया, कालू नशहदु अन्नका कद बल्लगता व अदैता व नसहता, प्यारे नबी आपने इस्लाम की तालीमात हम तक पहुंचाई ही नहीं बल्कि पहुंचाने का हक अदा कर दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी भर की जो जमा पूंजी थी, जिंदगी भर की जो कमाई थी, जब उसको इस्लाम से इतना वाबस्ता देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरते जज्बात में आके अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाया और फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह ये मेरे सहाबा तेरे बंदे मेरी रिसालत की गवाही देते हैं और मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया है, ये लाखों की तादाद में मेरे सहाबा इस बात की गवाही देते हैं, अल्लाह तू भी इस बात पे शाहिद हो जा, गवाह हो जा कि मैंने तेरी तरफ से उतारा गया पैगाम तेरे बंदों तक पहुंचा दिया है। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि फलयुबल्लिगु शाहिदुल गाइब, मेरे सहाबा जो तालीमात मैंने तुम तक पहुंचा दी, अब मैं ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पे रखता हूँ और तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि जो इस्लामी तालीमात तुमने मुझसे सुनी है, सीखी है, वो तमाम तर तालीमात जो सहाबा यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों तक पहुंचा दे जो यहाँ पर गायब हैं, मौजूद नहीं है। इससे पता चलता है कि इस्लाम दावत देने का नाम है, इस्लामी तालीमात का प्रचार करने का नाम है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाती तर्ज अमल भी यही था कि अल्लाह के नबी अलैहि सलातो वसलाम बजाते खुद मुख्तलिफ कबाइल में बाजारों और मंडियों का रुख करते और वहां जाके लोगों को, अवामुन नास को, ताजर तबके को, हर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले फर्द को इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे इस्लाम की खूबसूरत तालीमात पेश करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा और तमाम मोमिनों की वालिदा मोहतरमा सईदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आफीफा कायनात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के नबी मुझे ये बताएं, जिंदगी के अंदर बहुत सारे नशेब फराज का सामना करना पड़ा, बहुत सारे पेचो खम में से आप गुजरे हैं, हमें ये बताएं कि कोई ऐसा जिंदगी का दिन जो आपको याद हो, जो आप ये समझते हो कि वैसे तो बड़े बड़े मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, लेकिन ऐसा दिन
प्यारे नबी जो आपकी जिंदगी का इंतहाई मुश्किल तरीन दिन था, बताएं अल्लाह के नबी वो कौन सा दिन था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जंगे ओहद के दिन का नाम नहीं लिया जिस जंगे ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को जख्मी किया गया, जिस चेहरे की कसमें रब ताला ने कुरान में उठाई है, और जिस चेहरे जैसा खूबसूरत चेहरा अल्लाह ताला ने तारीख इंसानी में ना पहले पैदा किया है और ना कयामत की दीवारों तक कोई ऐसा बशर अल्लाह पैदा करेंगे, इतना खूबसूरत चेहरा उस मैदान जंग में जख्मी किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक को शहीद किया गया। आपने उस दिन का नाम नहीं लिया बल्कि आपने दावत देने में जो तकालीफ आई, फरमाया कि ताइफ के मैदान में अहले ताइफ को जब मैं अल्लाह का दीन पहुंचाने के लिए गया, लोगों ने वहां के चौधरी और वडेरों और सरदारों ने ना तो मेरी दावत को कबूल किया बल्कि मेरा इस्तेहजा उड़ाया, मेरे साथ ठट्ठा किया। और यहीं पे बस नहीं है, उस इलाके के ओबाश नौजवान गुंडों को मेरे पीछे लगा दिया और पत्थर मारे गए, मुझे भी पत्थरों से लहू लुहान किया गया, मेरे सिहाबी जनाबे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला को भी लहू लुहान कर दिया गया। फरमाया कि मेरी जिंदगी का वो इंतहाई मुश्किल तरीन और तकलीफ दे मामला था। जब अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, फरिश्ते ने आके कहा कि प्यारे नबी हुक्म दें, दो पहाड़ों के दरमियान में रख के इन गुस्ताखों को पीस देता हूँ। फरमाया कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, अगर आज ये लोग मेरी दावत को नहीं मान रहे, अनकरीब अल्लाह इनकी पुश्तों से इनकी नस्लों में से ऐसे रिजाल जरूर पैदा करेगा जो मेरी दावत को मानने वाले होंगे। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत नसीब फरमा, ये मेरे मुकाम को नहीं जानती। इससे पता चलता है कि प्यारे नबी का अपना भी तर्ज अमल यही था कि आप इस्लाम की दावत पेश करते थे। आपने दावत पेश करने में ना मर्दों की परवाह की है, ना औरतों को देखा है, ना छोटे को देखा है, ना बड़े को देखा है, ना आजाद को ख्याल किया है, ना गुलाम का देखा है। जहां भी जिस मौके पर भी आपको मौका मिला, आपने इस्लाम की दावत हर इंसान के सामने पेश की। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी इलाके का गवर्नर बनाकर किसी सिहाबी को रवाना करते, आप जाते वक्त उनको रवाना करते वक्त जो पंदों नसीह फरमाते, उन नसीहतों में से एक अहम तरीन और सरे फहरिस्त एक नसीहत ये भी होती, जैसा कि जनाबे मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने जब यमन की जानिब गवर्नर बना के भेजा, आपने फरमाया कि या मुआज़ इन्नका तअती कौमन मिन अहलिल किताब फलयकुन अव्वल मा तदउहुम इलैह। ए मुआज़, आप ऐसी कौम के पास गवर्नर बना के भेजे जा रहे हैं जो अहले किताब है, अल्लाह की सच्ची और सुच्ची शरीयत पर ईमान नहीं रखते, वहां जाके लोगों को जो सबसे पहली दावत देनी है वो अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है, उनको इस्लाम में लाने की कोशिश करनी है। और गवर्नर तो गवर्नर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी लश्कर को, जब किसी जंगी फौजी दस्ते को जिहाद के लिए रवाना करते, अमीरे लश्कर को हुक्म दिया जाता कि जाते ही दुश्मन पे हल्ला नहीं बोल देना, जाते ही दावा नहीं बोल देना, बल्कि लड़ाई से पहले उनको इस्लाम की दावत देनी है। अगर वो आपकी दावत को मान के हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं और सौमो सलात की पाबंदी शुरू कर देते हैं, फइख्वानुकुम फिद्दीन, तो फिर वो समझेंगे तुम्हारे दीनी भाई बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे सहल बिन साद फरमाते हैं, जनाबे अली रजी अल्लाह तआला को एक लश्कर की कयादत जब सौंपी और रवाना करते वक्त फरमाया था कि ए अली, वहां पर जाके सबसे पहली दावत जो उनको देनी है वो अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है। फवल्लाही लअन यहदी अल्लाह बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लक मिन हुमुरिन नअम, अगर अल्लाह की कसम तेरी दावत से एक आदमी भी कुफर से इस्लाम में दाखिल हो गया तो यकीन कर लो कि वो तुम्हारे लिए सुरख ऊंटों से भी ज्यादा अल्लाह के यहाँ कीमती होगा।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह की जानिब से यह तलकीन की गई है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदउन इलल खैर ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, तुम्हारे अंदर एक ऐसी जमात लाजिमन होनी चाहिए, एक ऐसा ग्रोह, एक ताइफा ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे, लोगों को बुराई से मना करे, अल्लाह की जानिब दावत दे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जाती मामूल गवर्नरों को भेजते वक्त भी यही दर्स, और जब भी जिहादी दस्ते रवाना किए, बल्कि उम्मते मुहम्मदिया के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वह नेकी का हुक्म दे और बुराई से मना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल होने वाले कुरान में अल्लाह ताला ने हर इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी आयद की है कि जहां उसने मुसलमानों के और अपने मातहत तमाम लोगों के दीगर हकूक की पासदारी का ख्याल करना है, वहीं इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि इस्लामी अहकाम मसाइल, इस्लामी हदूद का अमलन निफाज भी करना है। कागजी तौर पे नहीं है कि ये बहुत बड़ा इस्लामी मुल्क है, लेकिन उस इस्लामी मुल्क में इस्लाम लेवाओं के लिए जिंदगी गुजारना भी इंतहाई कठिन कर दिया गया है। ये कैसा इस्लामी मुल्क है? फरमाया कि इस्लामी हकूमत की जिम्मेदारी है कि इस्लामी तालीमात को अमली तौर पे नाफिज किया जाए। सूरह नूर की 55 और 56 नंबर आयत का यही मफहूम है। और आइए अब देखते हैं कि जो बिल हमारी असेंबलियों में पेश किया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबलियों के अंदर उस बिल को पेश किया गया, शरीय एतबार से वो कितनी को मुआफकत रखता है। बिल का अहम तरीन जो नुकता है और जिस पर बात करने के लिए ही हमने आज का मौजू मुंतखब किया कि एक उनवान और एक अहम तरीन नुकता ये है कि कोई भी गैर मुस्लिम नौजवान 18 साल का होने से पहले इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। इमाम बुखारी रहिमहुल्ला ने अपनी सही बुखारी के अंदर, और ये सही बुखारी का हम बार बार नाम क्यों लेते हैं और इसको हम कुरान के बाद हरफे आखर क्यों मानते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी अल्लाह ने अहले इल्म मुहद्दिसीन पैदा किए, तमाम मुहद्दिसीन के इस बात पर इत्तेफाक है कि इस आसमान की नीली छत चले कुरान के बाद सही तरीन अगर किताब कोई है तो वो सही बुखारी है। और इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ने सही बुखारी के अंदर एक बाब बांधा है, बाबुन इदा अस्लम अस्सबी फमात हल युसल्ला अलैह, इस बारे में बाब है कि अगर कोई छोटा बच्चा इस्लाम कबूल कर ले और फिर वो सने बुलूगत में पहुंचने से पहले ही फौत हो जाए, क्या ऐसे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। वहल युअरदु अला सबील इस्लाम, बाब का दूसरा जुज ये है कि क्या बच्चे पर इस्लामी तालीमात, इस्लाम की दावत बच्चे के सामने पेश की जा सकती। ये बाब का उनवान कायम किया है। और इसके जिमन में सही बुखारी में 1356 नंबर पे रिवायत लेकर आए हैं, जनाब अनस रजी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, कान गुलामुन यहूदीयुन यखदुमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फमरिद, एक यहूदी छोटा सा बच्चा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खादिम था, आपकी खिदमत किया करता था, लेकिन यहूदी बच्चा था, वो बच्चा बीमार पड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम था, यहूदी बच्चा था, बीमार पड़ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर में उसकी तीमारदारी करने के लिए तशरीफ लाए, फकअद इंदा रासी, अल्लाह के नबी उसके बिस्तर पे उसके सर के पास बैठ गए, फकाल लहू अस्लिम, अल्लाह के नबी ने जब देखा कि बच्चे के जाहरी हालात से लगता है कि बच्चा जिंदगी की सांसें आखिरी सांसें ले रहा है, आपने उसको इस्लाम की तालीम पेश की, आपने उसको इस्लाम में दाखिल होने की दावत दी और फरमाया कि बच्चे इस्लाम कबूल कर लो। फनदरा इला अबीही वहुवा इंदा, उस यहूदी बच्चे का यहूदी बाप पास ही खड़ा था, बच्चे ने अपने बाप की जानिब देखा कि अब्बा मुझे क्या हुक्म करता है। फकाल लहु अति अबल कासिम, उस यहूदी बच्चे के बाप ने उसको हुक्म दिया कि बेटे
अबुल कासिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कह रहे हैं वो मान लो और आपकी दावत को कबूल कर लो। फअस्लम, उस बच्चे ने इस्लाम कबूल कर लिया। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा फौत हो गया। फखरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी वहां से जब वापस निकले, वहुआ यकूल, आप ये फरमा रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्कज़हू बी मिनन नार, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिस अल्लाह ने मेरी वजह से एक जान को जहन्नुम की आग से बचा लिया है। यहूदी बच्चा है, बच्चे के सामने इस्लाम की दावत पेश की गई है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको मुख्तलिफ मजाहब का नहीं कहा और उसके बालिग होने का इंतजार नहीं किया, उसको इस्लाम की दावत दी, फौरन उसने कबूल की, आपने उसके जन्नती होने का भी ऐलान फरमा दिया। दूसरे नंबर पे सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी के अंदर इसी रिवायत से बिल्कुल नीचे 1357 नंबर यह रिवायत है, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अपने इस्लाम कबूल करने का अहवाल बयान करते हैं। कहते हैं कि कुंतु अना व उम्मी मिनल मुस्तज़ाफीन, मैं और मेरी वालिदा, हम उस वक्त इंतहाई कमजोर समझे जाते थे मुआशरे के अंदर। अना मिनल विल्दान व उम्मी मिनन निसा, मेरी वालिदा ख्वातीन में इंतहाई कमजोर समझी जाती थी और मुझे बच्चों के अंदर इंतहाई कमजोर समझा जाता था। तो इस वक्त जनाब अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तीसरे नंबर पे जो हर मुसलमान और हर मकतबा फिक्र का जो मुसलमान है उसके बच्चे बच्चे की जुबान पे ये बात है कि बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु है। और बाज उलमा ने यह बात लिखी है जामे तिर्मिज़ी में 3734 नंबर पे, अव्वलु मन अस्लम मिनर रिजाल अबू बकर, मर्दों में बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ही हैं और बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की है। वह अव्वलु मन अस्लम मिनन निसाई खदीजा, और ख्वातीन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाली औरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। और यही पे बस नहीं है, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद भी ये अशआर पढ़ा करते थे और अपने हम उम्र लोगों में इस बात से फख्र किया करते थे, सबक्तुकुम इलल इस्लाम तुर्रन गुलामन मा बलगतु अवान हिल्मी, कि मैं तुम में से सबसे पहले बच्चों में इस्लाम कबूल करने वाला हूँ और मैंने इस्लाम उस वक्त कबूल किया कि अभी मैं सने बुलूगत को भी नहीं पहुंचा था, तकरीबन 8 से 10 साल की उम्र थी जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की। और अगर हम एक एक की तफसील बयान करना चाहें तो वक्त इजाजत नहीं देता। चंद सहाबा के नाम मैं बताता हूँ जिन्होंने बुलूगत से पहले ही इस्लाम कबूल कर लिया। 3 सहाबा का हम जिक्र कर चुके हैं। 4th नंबर पे जनाब ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु 11 साल की उम्र में, जनाब अनस बिन मालिक 8 साल की उम्र में और उमैर बिन अबी वकास 16 साल की उम्र में, उमैर बिन साद 10 साल की उम्र में, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु 13 साल की उम्र में, मुआद बिन अमर बिन जमू 12 या 13 साल की उम्र में और जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु गुलामों में सबसे पहले सिर्फ 7 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करने वाले अजीम सहाबी है। और ये तो इस्लाम में दाखिल होने की बातें, अल्लाह की जानिब से कुरान के अंदर नबुव्वत के लिए भी बुलूगत को शर्त नहीं रखा गया। शायद ये आपके लिए बड़ी ताज्जुब खेज बात हो, सितम की बात ये है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं जनाबे यहिया अलैहि सलाम के बारे में, वह आतैनाहुल हुक्मा सबिया, हमने जनाबे यहिया अलैहि सलाम को, अभी वो सभी बच्चे ही थे कि हमने उन पर अहकामात नाजिल फरमा दिए। ईसा अलैहि सलाम के बारे में आता है जब उनसे कौम ने मुकालमा किया, बात की, सूरह मरियम में यह आयत करीमा मौजूद है, قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا, अभी छोटे शीर खार बच्चे थे,
तो वहां पर जवाब दिया कि मुझे, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे अल्लाह ने किताब दी है, वजह अलानी नबिया, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। ये कुरान के अल्फाज हैं सैयदना ईसा अलैहि सलाम के बारे में। अगर आप बाइबल या तौरात का मुताला करें तो इस तरह की अहमकाना शिकें जो हमारे जमहूरी निजाम का हिस्सा बनाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी किताबों के अंदर भी नहीं मिलेंगी। यहाँ पे चलते चलते एक गैर मौजू से हट के बात भी करना चाहता हूँ। इस्लाम ने नबूवत के लिए भी बुलूगत की शर्तें आयद नहीं की। हमारे यहाँ कई साथियों को सिर्फ इस वजह से माथे पे शिकन पड़ते हैं कि मस्जिद में बच्चे क्यों आते हैं, मस्जिद में आके बच्चा अजान क्यों पढ़ देता है, मस्जिद में आके बच्चा इकामत क्यों कह देता है। मैंने ये बात इसलिए कही कि मैंने इसी मसल्ले पे खड़े होके एक आदमी को जमात में से निकलते वक्त हुए सिर्फ इस वजह से देखा कि अजान एक बच्चे ने पढ़ी और इकामत भी उसी बच्चे ने कह दी। अगर हम बच्चों से इस कदर नफरत करेंगे और अपने जाती गैर शरी फतवे थोपने की कोशिश करेंगे तो आप भूल जाएं कि कल कला हमारी मस्जिदों में नौजवान नजर आ जाएंगे। हमने अभी से बच्चों को इस कदर जो है वो अपने आप से दूर करने की कोशिश कर दी है। हालांकि बच्चों को सबसे ज्यादा अखलाक और प्यार मस्जिद से मिलना चाहिए था। तो प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अकुल कौली हादा अस्तगफिरुल्लाह ली वलकुम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسلام دین فطرت ہے، یہ کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس کو دین فطرت بنایا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہم نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن لیں۔ صحیح بخاری میں 1358 نمبر روایت ہے، ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه ويمجسانه۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں یہ بات رکھی گئی ہے اللہ کی جانب سے کہ وہ باطل کی بجائے حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے، برائی کی بجائے نیکی کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب بچہ سن شعور کو پہنچتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں کہ اس کو کوئی یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مجوسی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین، کون؟ شیاطین، کفار اور مشرکین اس فطرت اسلام سے لوگوں کو دور ہٹاتے ہیں۔ آپ اسی حدیث کی بنیاد پہ وہ بل کا موازنہ کر لیں۔ صحیح مسلم میں 2865 نمبر روایت ہے، جناب عیاد بن حمار مجاشعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُلَقَاءَ حُنَفَاءَ كُلُّهُمْ، میں نے اپنی تمام بندوں کو دین حنیف کے مطابق چلنے والا پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ فَجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان کے پاس شیاطین آتے ہیں اور پھر وہ شیاطین ان کو ان کے دین سے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، جو میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چیزیں حلال کی ہیں وہ شیاطین ان کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔
وَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا اور پھر وہ شیطان ان کو حکم دیتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کی جانب سے نازل شدہ نہیں ہیں جس چیز کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو تیار کرتا ہے ایسا بل بنانے والے اس طرح کا دجالی میڈیا اور یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے لوگوں سے پوچھا جائے کہ 18 سال کا بچہ اگر ووٹ دے سکتا ہے کیا ووٹ دینے سے پہلے بھی اس کو 90 دن تک جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور تمام سیاسی پارٹیوں کے جو سیاسی منشور ہیں ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ اس پارٹی کا یہ منشور اور یہ ایجنڈا ہے آپ کس پارٹی کو ووٹ دینا پسند کریں گے وہاں تو لفظ بڑا عجیب سا میرے منہ پہ آنے لگا تھا کہ ویسے گلی گلی میں آ کے زبان نکالتے ہیں اور ووٹ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ دنیاوی مفادات کے لیے کر سکتے ہیں لیکن اسلام قبول کرنے کے لیے 18 سال کا ہونا شرط قرار دی گئی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جس کا یہ حقدار ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام تر فتنوں سے ہماری جان چھڑائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون I'm not afraid to die.